हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं भीखना पहाड़ी में। बात किया जाए, ये जो भीखना पहाड़ी है ना, इधर थोड़ा दिखा दीजिए, ये पूरा स्टूडेंट लोग का हब है। अभी रात का 9:30 हो रहा है, इसलिए हल्का आप लोग रोड खाली दिखाई देता होगा, लेकिन ये रोड में चारों तरफ स्टूडेंट ही स्टूडेंट रहते हैं। बात किया जाए स्टूडेंट लोग के हब में, एक ऐसा चीज का ब्लॉग बनाने आज आए हुए हैं, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अभी आप लोग को दिखाने वाले हैं लाइब्रेरी, बहुत ही शानदार सा लाइब्रेरी खुला हुआ है भीखना पहाड़ी में। सामने में मंदिर है और ठीक मंदिर के बगल में आप लोग को ये बड़ा सा जो बिल्डिंग दिख जाएगा, इसी के सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरी है। सेकंड दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर पे HDFC बैंक है और सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरी खुला हुआ है। लाइब्रेरी का नाम हो गया श्री राम रॉयल लाइब्रेरी। बात किया जाए दोस्तों फैसिलिटीज का, वाईफाई फैसिलिटीज है, RO वाटर है, आप लोग को कम्फर्टेबल चेयर है, फुली AC है, इन्वर्टर है, न्यूज पेपर मैगजीन है और लिखे हैं प्लेसफुल एनवायरनमेंट है, CCTV कैमरा का सिक्योरिटी, सारा चीज फैसिलिटीज अवेलेबल है। चलिए हम लाइब्रेरी दिखाते हैं। आज ही के दिन शानदार ग्रैंड ओपनिंग हुआ है और आप लोग को रेट और सारा चीज बताने वाले हैं, क्या रेट रखे हुए हैं। अक्सर देखा जाए यहाँ के जो भी स्टूडेंट है, गार्जियन गिन चुन के पैसा देते हैं, उसी पैसा में स्टूडेंट लोग को पढ़ाई भी कर लेना होता है, रेंट भी पे करना होता है और उसी पैसा में मतलब लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई भी कर लेना होता है। तो आइए जानते हैं क्या रेट रखे हुए हैं और कितना शिफ्ट चलता है, सारा चीज बताते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। थोड़ा सा भैया फैसिलिटीज बता दीजिएगा, क्या क्या है यहाँ? फैसिलिटीज में यहाँ पे कंफर्टेबल चेयर है, टेबल लैंप है, RO है, कूलिंग वाटर है, मैगजीन है, इन्वर्टर लाइट है और डेली न्यूज पेपर आता है। यानी न्यूज पेपर डेली मिलेगा? जी जी जी। इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है क्या? अच्छा, यानी बच्चा लोग को जो डिमांड रहेगा, इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश रहेगा, हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी, साथ में मैगजीन भी पढ़ सकते। अच्छा, मैगजीन भी पढ़ सकते। और भी क्या क्या फैसिलिटी है? वाईफाई है, इन्वर्टर है, लाइट कट तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर लाइट कट भी जाएगा तो उसका भी कुछ व्यवस्था है कि नहीं? उसमें भी वो अपना लैंप चला सकते हैं, पंखा चलेगा ही चलेगा। अच्छा, इन्वर्टर का सुविधा है जी। बात किया जाए चेयर भी बहुत अच्छा लाए, चेयर तो काफी कम्फर्टेबल है। इसमें बच्चे को क्या होगा कि 6 घंटे में बच्चा पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं चेयर बहुत, जैसे देखिए ये जो स्पाइनल है, 6 घंटा बैठने पे किसी का पेन हो जाता है। अच्छा, जो कि यहाँ पे पेन नहीं होगा, ये बहुत ही कम्फर्टेबल है, बहुत कम्फर्टेबल है। इससे बच्चा अगर 6 घंटा भी पढ़ाई करेंगे, 6 घंटा 10 घंटा बहुत भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बहुत ही सही, यही तो होना चाहिए। मान के चलिए चेयर ही अच्छा ना रहे, हाँ, तो बच्चा उतने घंटे बैठ पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। इसमें थोड़ा सा मतलब रेस्ट भी कर सकता है, थोड़ा सो भी सकता है। नहीं, बात किया जाए सर, इतना बड़ा हॉल में कितना AC लगाएंगे? 2 AC लगाए हैं। दो, जैसे पूरा अच्छा कूलिंग करता है? हाँ, अच्छा कूलिंग करेगा। 2 टन AC है। अच्छा, 2 टन AC? हाँ, 2 टन AC है, कैरियर का डाले। 2 टन बहुत ज्यादा हेवी हो गया, वो थोड़ा कॉस्टली भी आता है, कूलिंग भी ज्यादा करता है। तो आता है सर, लेकिन कूलिंग चाहिए बच्चे को, हाँ। इतना गर्मी का मौसम है, तो इतना बड़ा तो 2 टन अगर 2 AC है तो समझ जाइए पूरा बवाल कर दे, बवाल कर देगा, मतलब बच्चा को पसीना का तो नाम निशाने नहीं रहेगा। नहीं, इसके साथ फैन भी रखेगा कि नहीं? हाँ, फैन भी है जो अभी लगेगा धीरे धीरे। हाँ, फैन लगेगा और जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहाँ पे वॉल फैन भी दिया जाएगा, वॉल फैन आ चुका है। अच्छा, तो ये सारा फैसिलिटीज और यहाँ पे सभी बच्ची लो आई हैं, हाँ, एडमिशन करा रही है, एडमिशन कराने के लिए। लड़की के लिए स्पेशल वॉशरूम है। अच्छा, अब बॉयज के लिए? हाँ, बस आप जिस चेयर पे बैठे हैं, चेयर कंफर्टेबल है कि नहीं? अगर इस पे बच्चा 6 घंटे में बैठ के पढ़ेगा तो पूरा आराम रहेगा, पूरा आराम मिलेगा। अच्छा, और यहाँ पे भी भैया लोग मतलब खड़ा है, क्या चीज का तैयारी करते हैं भैया? हम तो BPSC का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग साथ ही में सफर लॉज में रहते हैं। अच्छा, तो साउंड गया तो उसी में पता चला कि लाइब्रेरी जी आज, यानी आप लोग प्री बुकिंग कर लिए? नहीं, अभी बुकिंग नहीं हुआ है, अभी कर लेंगे, इंक्वायरी करवा। अच्छा, करने आए थे तो मतलब अच्छा, ये ज्वाइनिंग कर लेना? हाँ, ज्वाइनिंग कर लेंगे, अच्छा लगा। बगल में हम लोग का लॉज है। और क्या चाहिए, मतलब रूम से निकलिए, लाइब्रेरी में एंट्री कीजिए, बगल में लॉज है, अच्छा होगा, पढ़ाई के लिए टाइम बचेगा। ये दोस्तों अंदर का पूरा एम्बियंस हो गया, आज ही का जो उद्घाटन था इसके वजह से पूरा चेयर को अरेंज नहीं किया गया है। बता रहे हैं लोग 2 या 3 दिन में पूरा चेयर अरेंज हो जाएगा, पूरा स्टूडेंट लोग से ये लाइब्रेरी पूरा भर जाएगा, क्योंकि ये जो जगह है दोस्तों भीखना पहाड़ी स्टूडेंट लोग का हब है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट लोग, एक तरह से देखा जाए UPSC हो गया, BPSC हो गया, SSC हो गया और भी इंजीनियरिंग मेडिकल का सभी चीज का तैयारी यहाँ करते हैं। शिफ्ट का जो टाइमिंग है, जो आप बताए थे 4 शिफ्ट, कितना कितना बजे से टाइमिंग है? एक शिफ्ट सुबह मॉर्निंग का है 7 से 12, फिर उसके बाद सेकेंड शिफ्ट है आपका 12 से 5, और फिर 5 से 10 है नाइट से, ये
इवनिंग शिफ्ट और फिर एक नाइट शिफ्ट है जो 10 से सुबह का 5 बजे तक है, 2 घंटा साफ सफाई के लिए रखा गया है। जैसा कि दोस्तों आप लोग इतना सारे जो आदमी देख रहे हैं सभी कोई समझ एक तरह से देखा जाए तो ऑनर ही है, क्योंकि कोई ऑनर के भाई है, कोई ऑनर के मतलब सब दोस्त भी है, कोई दोस्त भी है, कोई रिलेटिव भी है, भाई भी है, सब कोई मतलब ये लोग कैसा लग रहा है यहाँ पे मतलब इतना पहाड़ी में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देख रहे थे हर जगह चेयर हर जगह लाए थे चेयर देखे और यहाँ पे बैठने के लिए बहुत कम्फर्टेबल है, इसलिए बहुत यहाँ पे मतलब यहाँ एक तरह से देखा जाए यहाँ पे एक ऐसा वाजिब देखा है कि जैसे स्टूडेंट अपना रूम का रेंट भी पे कर सके और फिर अपने लाइब्रेरी में भी आकर तैयारी कर सके, कुछ खा पी भी। हाँ, इससे आपको इतना पारी पूरे इतना पारी अपन ना होता है वहाँ तो हम 250 में पूरे नाइट में हम पूरे 8 घंटा पढ़ सकते हैं, 250 बस 250 इससे बढ़ क्या चाहिए और क्या चाहिए। आपके मॉर्निंग शिफ्ट का ₹300 और फिर इवनिंग का ₹350 और आफ्टरनून का ₹400 जितना टाइम है आप जिस से पढ़िए कोई एकदम अच्छा वातावरण के साथ पूरा माहौल शांत के साथ आपको सीट पूरा फिक्स किया जाएगा कि मतलब सही नहीं है। नहीं नहीं आप और सीट लेते हैं अगर पूरे दिन का लेते हैं तो आपको सीट मिल जाएगा। हाँ, उसके साथ लोकल भी रहेगा, पानी ठंडा रहेगा, सारा चीज़ का।